खबर अब इंदौर से मिल रही है, जहां बीजेपी के पोस्टर से ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब हैं। जी हां, सावेर में आयोजित कार्यक्रम के लिए ये पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में सीएम शिवराज सिंह चौहान, तुलसी सिलावट की तस्वीरें लगी, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं लगी है। कैलाश विजयवर्गीय की भी तस्वीर लगी है, आप देख सकते हैं, और उसके साथ ही सिंधिया का फोटो नहीं लगने पारा। एक बार फिर से सियासत गर्माई है। इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि क्या वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पर उन्होंने बीजेपी हटाया, अब ऐसे में फिर से एक बार सरगर्मियां तेज हो गई, सियासत गर्मा गई है। ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जो पोस्टर हम देख रहे हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर नहीं है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए करिश्मा, दरअसल इंदौर के सावेर में उपचुनाव होना है और सावेर विधानसभा पर होने वाले चुनाव को लेकर कहीं के राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में 10 जून को ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है और इस सम्मेलन के लिए जो पोस्टर्स लगाए गए हैं सावेर में, उन्हीं पोस्टरों में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर नजर आ रही है। इसमें जो मंत्री तुलसी सिलावट है, जो सिंधिया के खासे कट्टर समर्थक माने जाते हैं, साथ ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसमें मौजूद नजर आ रहे हैं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस पोस्टर में है। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें मौजूद है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर कहीं ना कहीं इस पोस्टर से गायब है और इसी को लेकर सियासी गलियारों ने चर्चाओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता है और खासतौर पर जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंधिया को नजरअंदाज किया जा रहा है और यही वजह है कि सियासी जो हलचलें हैं वो तेज हो गई है। बहरहाल इस पोस्टर को लेकर राजनीति जरूर गर्मा रही है, लेकिन इस पोस्टर के पीछे के मायने क्या हैं वो आने वाले दिनों में जो है स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस पोस्टर ने कहीं ना कहीं इंदौर की और खासतौर पर मध्यप्रदेश की राजनीति में चर्चाएं जरूर गर्म कर दी है। बिल्कुल पीयूष, देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर कैसे सियासत गर्माती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।